वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ते चंद साल के दौरान PMGSY ने इंतहाई दुश्वार गुजार वाले इलाकों में राबता सड़कों को तामीर किया, जहां के लोगों को यहां राबता सड़क तामीर करना एक ख्वाब था और इन राबता सड़कों की तामीर की वजह से लोगों को जहां एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में आसानी पैदा हुई, वहीं दूसरी जानिब मकामी आबादियों में इक्तिसादी और तालीमी मैदान में बड़े पैमाने पर मस्बत तब्दीली भी देखी गई है। वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल के बड़ी पथरी इलाके में भी महकमा PMGSY ने एक दुश्वार गुजार वाले इलाके में बेहतरीन राबता सड़क को तामीर किया है, जिसकी वजह से लोगों ने खुशी और मसरत का इजहार करके सरकार का शुक्रिया अदा किया, जबकि मकामी आबादी ने सड़क पर मैगडम बिछाने के बाद यहाँ जश्न मनाया। श्रीनगर मेल के नामा निगार ने बताया कि 7 किलोमीटर इस लंबी राबता सड़क को तामीर करने से इलाके के लोगों को 2 दहाइयों से ज़ायरी इल्तवा मुतालबा भी पूरा हुआ। लोगों ने बताया कि सड़क की अदम मौजूदगी के बायस यहां इनको बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए आज भी चारपाई का इस्तेमाल करना पड़ता था, जबकि घरेलू सामान कंधे पर उठाकर घर पहुंचाना पड़ रहा था, जिस दौरान उन्हें तरह तरह के परेशानियों का सामना होता था। उन्होंने बताया कि इस इकदाम की वजह से अब इस परेशानियों से उन्हें नजात मिल गई। लोगों ने LG इंतजामिया के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर गांदरबल और PMGSY के तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया है। आइए देखते हैं श्रीनगर मेल की ये खसूसी रिपोर्ट। अब्दुल हमीद खान बाजपास रोड शुक्र गुजार गवर्नमेंटस बनो रोड कम्प्लीट गो रोड जबरदस्त शुक्र गुजार तहसीलदार डी सी साहब SDM साहब तमाम मुलाजिम शुक्र गुजार रोड बनो कम्प्लीट गो रोड खानदार तेस कलस यह टूमर पत् वो मे दब बन चढ़ गुजरे अति सोद पत् हूँ बहुत गसित कुन सह गुजरे वात मे कंगन सह गुजरे अड़वती पे दुमो पत् ना हिट ना योर सह खाल कह सह कर मे वाले दफन तमस शुरा वरी ये हूँ कस शुरा वरी पे मे योर हज खाल सह गुजरे पे कर मे दफन वाले ये रोड तम पा गुजरे मे ये बाव मजीद खान कू सो गुजरे मजीद खान तक गुजरे अम ब्रो गुजरे पांच अठ वह अड़वती गुजरे तीन गुजारिश PMG वालों तमाम मुलाजिम शुक्र गुजार रोड को कम्प्लीट छून का जो ये बड़ी पथरी जो रोड जा रहा है नेशनल हाईवे टू बड़ी पथरी ये 2010 से बेस के लिए शुरू हुआ था, बट कुछ प्रॉब्लम इसके बीच में आए थे, वो ये कि इसको ओपन सिटी था, लेकिन हमने लड़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा सपोर्ट मिला PMG की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, हमें कुछ पेपर्स जो ज़रूरत है उनमें हमें प्रोवाइड किया है, वक्तन फवक्तन वो हमारे साथ कॉपरेट में रहे, बट बाद में हाईकोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन आई कि वो सिटी वैकेट हो गया, हमने काम शुरू कर दिया। 2022 से काम शुरू है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश है कि इतना 2022-2024 के एंड में इतना बड़ा प्रोजेक्ट 8 किलोमीटर का जो ये रोड बन रहा है, ये बड़ा मुश्किल बनाना था क्योंकि हिली एरिया था, तो हम शुक्रगुजार है पहले अल्लाह ताला के, फिर PM जो है डिपार्टमेंट के जो हमारे चीफ साहिबा है या हमारे एग्जन साहब या हमारे AEE जो भी इधर के कंसर्न इंजीनियर्स वगैरह है, इन्होंने दिन दिगनी रात चुगनी इस पर काम किया है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पर जो है अपना जो टाइम है वो इन्होंने इस पर वक्फ किया है। आपने देखा होगा अभी कि ये जो रोड छून से बड़ी पथरी जा रहा है ये 2008 में सेंक्शन हुआ था, लेकिन इसको लैंड डिस्प्यूट की वजह से और कोर्ट केसेस की वजह से इसमें काफ़ी डिले हुआ और रोड भी काफ़ी हिली था। इसको लास्ट ईयर हमने फिर टेकअप किया आफ्टर रिजॉल्विंग ऑल कोर्ट केसेस एंड अदर केसेस लैंड डिस्प्यूट्स, तो इस साल आपने देखा कि हमने मेडिकलाइजेशन तकरीबन इसको पाए तकमील भी पहुंचाया है और लोग काफ़ी खुश है इससे, ये रोड अभी कंप्लीट हो गया है। तकरीबन हमने देखा है कि लैंड का ट्रीज का या स्ट्रक्चर का तकरीबन सभी लोगों को 50% कंपेंसेशन मिल चुका है और बाकी हमने डिमांड किया है जो ही रिलीज हो जाएगा तो लोगों को मिल जाएगा।